सर, अभी जिक्र इस बात का हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो खेती का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो करीब लगभग 50% के आसपास में था, इस बात का जिक्र हुआ अभी, और अभी 1%, मुश्किल से 1% है। अगर साथ में जो एलाइड एक्टिविटीज़ का दायरा निकाल दिया जाए तो 1% भी मुश्किल से बनता है तोमर साहब। तो ये जो स्थितियाँ आज हमारे सामने आ रही हैं उन पे अपने आप में एक बड़ा ही प्रकाश पड़ता है कि भाई क्या किया गया है और क्या किया जाना है। चूंकि ये रिजोल्यूशन है, ये प्रस्ताव है, तो मैं समझता हूँ कि सांप निकल गया और हम लकीर पीट रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अब हमें कल क्या करना है, आगे आने वाले समय में क्या करना है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, कृषि में हम आत्मनिर्भर हैं, उत्पादन में आज खाद्यान्न के लिए हम आत्मनिर्भर हैं। और सर, बड़ी अच्छी बात भी है कि अब देश में लोगों की खाने पीने की थोड़ी सी आदतें भी बदल रही हैं, तो वो अनाज के साथ में फल है, सब्जियां हैं या दूसरे हमारे उत्पाद कृषि के उत्पादन हैं उसकी खपत भी लगातार बढ़ रही है और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय निकल के सामने आ रहा है। अभी जब किसानों की बात होती है तो मोस्टली उन किसानों की बात होती है जो अनाज पैदा करते हैं या दलहन पैदा करते हैं या प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मौसम बदलने के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। सर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सर, इस देश में आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये आरोप और प्रत्यारोप से कहीं ऊपर है। ये तो आत्मावलोकन करने का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का समय और मौका है कि ऐसा क्या हुआ कि जिस रोटी के बिना कोई जी नहीं सकता, ये रोटी अपरिहार्य है, उस अनाज को पैदा करने वाला व्यक्ति आज विवश होकर के आत्महत्या कर रहा है और हमें अब खाली हम उस पर विचार कर रहे हैं। सरकार पीस मील में बहुत सारी सुविधाएं लेके आती है, कभी इंश्योरेंस को लेकर के, कभी आपके बैंक फाइनेंस को लेकर के, कभी मार्केट को लेकर के, लेकिन वो समग्रता में नहीं है, वो पीस मील समाधान है जो आज तक सही जगह पर नहीं पहुंच पाए। सर, चूंकि समय बहुत कम है मेरे पास में, मैं बहुत फ्लेयर नहीं करूंगा, खाली बिंदुओं में इस बात को कहना चाहूंगा कि सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कृषि को राजकीय संरक्षण मिलना चाहिए। सर, जो किसान है वो देश की सेवा कर रहा है और वो अनाज पैदा कर रहा है, खुद नहीं खाता, वो समाज के लिए पैदा कर रहा है। एक तरफ जहां हम लोग पानी बचाने की और पार्टियों में अनाज बर्बाद ना किया जाए उसकी हम बात करते हैं, तो जो आदमी अनाज पैदा कर रहा है उसकी क्या स्थिति है, उस पर एक निगाह डालने की जरूरत है। सर, ये बड़ी दुखद स्थिति है कि कोई गांव मुझे ऐसा नहीं मिला पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां पर सभी गांव के लोग बैठ के एक प्रोडक्शन प्लान बनाते हों या फसल चक्र की खुद समीक्षा करते हों। और सर, दिक्कत तो यह है कि जो पंचायत जिसको उत्पादन की, प्रसंस्करण की, मार्केटिंग की, पैकेजिंग की, ट्रांसपोर्ट की इकाई बन जाना चाहिए था अब तक, वहां क्या हो रहा है कि किसान खाली उत्पादन कर रहा है उसकी उतनी ही जिम्मेदारी है और जो मिडिल मैन है वो उसका विपणन कर रहा है और जो प्रसंस्करण करने वाली कंपनियां हैं वो प्रसंस्करण कर रही हैं और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वाली कंपनियां उसका मुनाफा निकाल रही हैं और आज हम किसान की स्थिति पर चिंता कर रहे हैं। तो सर, गांव को उत्पादन की, प्रसंस्करण की, पैकेजिंग की, बिजनेस की और ट्रांसपोर्ट की इकाई बन जाना चाहिए था, ये आगे कैसे बनेगी इस पर हमें आपको सबको बैठ के गौर करना है। सर, उत्पादक संगठित नहीं है, चाहे गन्ने का उत्पादक हो, चाहे गेहूं का हो, धान का हो, तिलहन का हो, दलहन का हो, सब्जियों का हो, फलों का हो, मछली का हो, दूध का हो, वो उत्पादक संगठित नहीं, लेकिन बाजार संगठित है। जो आजकल डिब्बा कारोबारी पैदा हो गए हैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने वाले, ये पूरे देश में जितनी खपत होती है उसका अंदाजा लगा लेते हैं, उसके हिसाब से रेट तय करते हैं, नतीजा मुनाफा उनको जाता है और किसान खाली सब्सिस्टेंस लेवल पर रहता है। सर, इतना मुझे कहना था, लेबर जो गांव में है सर उसका अपग्रेडेशन होना चाहिए, जो अनस्किल्ड है वो सेमी स्किल्ड और जो सेमी स्किल्ड है उसको एक्सपर्ट लेबर में कन्वर्ट होना चाहिए, जिससे कि जो वैल्यू एडेड सर्विसेज गांव के अंदर हो सकती हैं, चाहे क्रॉप प्रोटेक्शन की हो, चाहे प्रोसेसिंग की हो, वो आगे बढ़ाई जा सके। सर, जो मंडी प्रणाली पर बहुत बात कही जाती है, इसको लोकतांत्रिक होना चाहिए। अभी सरकारी मंडी हो गई, ये किसानों की मंडी नहीं रही, इसमें किसानों के नुमाइंदे होने चाहिए। और सर, जिस किसान सम्मान की बात हो रही है वो सारी की सारी किसानों की सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टली मंडी से लिंक होनी चाहिए। जिस किसान ने जिंदगी भर गल्ला दिया है, दूध दिया है, सब्जी दी है मंडी को,
वो मंडी जिम्मेदार है उसको सामाजिक सुरक्षा और उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब समाप्त कीजिए, आपका एक मिनट। मैं कंक्लूड कर दे रहा हूं, इसलिए मैंने पॉइंट की बात की। सर, मंडी का काम खाली खरीदना है, ऐसा गलत है। लाइसेंस आढ़तीय के पास में, जबकि किसान का लाइसेंस होना चाहिए जो मंडी में रजिस्टर्ड हो। सर, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और रिटेलिंग का पावर भी मंडी को मिलना चाहिए, जिससे कारण कि दाम उसके स्थिर रहे जितना किसान को चाहिए। ये खाली सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से स्थिर करना अकलमंदी नहीं है। सर, गन्ने की खेती के बारे में जिक्र हुआ, 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐलान करके आए थे कि 14 दिन के अंदर हम पेमेंट कराएंगे। हमें दुख है कि प्रधानमंत्री की बात खंडित हो गई। सर, इस बात को गौर करना पड़ेगा। और चाहे दूध के उत्पादक हों, चाहे आपके हॉर्टिकल्चर के उत्पादक हों, और जो वैकल्पिक आमदनी के जो दूसरे जरिए हैं, सर, जड़ी बूटियों पे काम हो सकता है, सर, मसालों पे काम हो सकता है, उस पर विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद सर। एक मिनट में क्लोज कर दूं। वन पॉइंट सर, जिस गौ वंश के बारे में कहा जा रहा है, मुझे सरकार को आगाह करना है कि अगर यही नीतियां चलती रही तो किसान अगले साल से गाय पालना छोड़ देगा। इतनी दिक्कत हो रही है, जैसा कि जिक्र हमारी बहन छाया जीवी कर रही थी, कि सरकार एडहॉक प्लान लेके चल रही है। लोग खेत चल रहे हैं और उनका कोई लोग मारे भी जा रहे हैं और कोई पुरसा हाल नहीं है। सर, जो इंश्योरेंस का इश्यू है, मैं उस पर एक बात कह दूं, जो उन्होंने जिक्र किया कि इसमें बहुत बड़ा घपला है, व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, किसानों को रसीद नहीं दी जाती, और जो क्षतिपूर्ति के माध्यम है, सर, उसका पता ही नहीं कब तक और कैसे मिलेगा। सर, जो बैंक का सपोर्ट सिस्टम है, हमारी जो सहकारी सिस्टम बैंक थे वो टूट रहे हैं। सर, साहूकारों का जाल मजबूत हो रहा है। जो लोग अड़तिए हैं, सस्ते में गल्ला खरीदते हैं, किसान का शोषण करते हैं, वो ताकतवर हो रहे हैं। और सर, जो कर्ज माफी की राजनीति हो रही है, सर, ये उन पे गोल करते हैं, वो इन पे गोल करते हैं। ये फुटबॉल नहीं है, ये हिंदुस्तान की खेती है, जिसमें 77 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं। सर, मैं समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन के ऊपर इसको सर्वसम्मति से पास किया जाए और किसानों के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि एक रेस्पेक्टेबल जॉब कर सके। प्रसन्न नरसिंह नारायण, थैंक यू।